इंदौर की परदेशीपुरा पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने शहर में कई लोगों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी अक्षय कुमायू से पूछताछ करने में जुट गई है। दरअसल पिछले दिनों डीआईजी ऑफिस में इंदौर के कई लोगों ने धोखाधड़ी की शिकायत कराई थी, जिस पर परदेशीपुरा पुलिस ने अक्षय कुमायू के खिलाफ अमानत में खयानत का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी द्वारा करीब 25 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी को अंजाम दिया था। साथ ही वो अपने आप को न्यूज़ चैनल का हेड बताकर रौब झाड़ता था। थाना परदेशीपुरा में एक शिकायत महेश देवड़ा द्वारा दी गई थी और इसी प्रार्थी के द्वारा हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्व एवं डीआईजी महोदय को भी शिकायत दी गई थी। शिकायत में आरोप था कि इसके द्वारा आरोपी अक्षय कुमाऊँ द्वारा इससे 5 गाड़ियाँ किराए पर ली थी तथा उसको अन्यत्र चलाया गया और उसका किराया नहीं दिया गया। इसी प्रकार एक हर्ष शर्मा जिसको ये बोलकर अक्षय कुमाऊँ द्वारा 19.5 लाख रुपए ले गए कि आपके नाम से हम गाड़ियाँ लेंगे, गाड़ियों को किराए पर चलाएंगे और जो रेंट रहेगा उस रेंट में से आपको मैं हिस्सा दूंगा। एक अन्य प्रार्थी जिसका नाम गोहित मंडिया है, इससे भी इसी प्रकार 2.5 लाख रुपए लिए और बोला कि आपके नाम से गाड़ियाँ ले लेंगे और जो रेंट बनेगा उसमें रेंट में आपको फ़ायदा मिलेंगे। इस प्रकार अक्षय कुमाऊँ द्वारा ये 3 प्रार्थियों से करीबन 25.5 लाख रुपए का धोखाधड़ी की गई है और प्रार्थी महेश देवड़ा से जो गाड़ियाँ ली थी उसमें प्रारंभिक जाँच में भी पता चला है कि उसके द्वारा जो गाड़ियाँ ली गई थी उसका किराया न देकर एक गाड़ी एक अन्य व्यक्ति को चलाने के लिए दे दी गई थी और एक गाड़ी गिरवी रखी गई थी। इस प्रकार आरोपी अक्षय कुमाऊँ द्वारा प्रार्थियों के साथ धोखाधड़ी किया गया है जो और जब पैसे मांगने गए तो उसको जान से मारने की धमकी भी दी गई, जो अक्षय कुमाऊँ के खिलाफ प्रथम दृष्टया धारा 406 420 506 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इस जांच में ये भी पता चला है कि अक्षय कुमाऊँ अपने आप को प्रतिष्ठित पत्रकार बताता था, चूँकि अभी प्रारंभिक जांच में उसके द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किया गया जिसमें वो पत्रकार हो, लेकिन पता ये चला है कि वो अपने आप को पत्रकार बताता था और पूर्व में 1-2 चैनल हेड होने का भी उसके द्वारा दावा किया गया है, जो इसी के कारण ये तीनों प्रार्थी पीड़ित हुए हैं उसके द्वारा अपने आप को पत्रकार बताने की वजह से। और अभी जांच की जा रही है, उसमें हो सकता है इसके द्वारा अन्य लोग भी इससे पीड़ित हुए हैं और ये जो धोखाधड़ी 25.5 लाख की और ज़्यादा की भी बढ़ सकती है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से सख्ती से पूछताछ करने में जुट गई है, जिससे और भी कई खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।